हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से दो दिन पहले वो अपने दोस्तों के साथ मुझे देखने आए थे। उन छह दोस्तों में से ये कौन थे वो मुझे पता नहीं चला। शादी के दिन जब मैंने उनको देखा मैं खुश हो गई थी। मुझे ये देखकर ज्यादा खुशी हुई कि वो भी खुश हैं। शादी के बाद वो काम में इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था। मुझे और हमारे बच्चों को वो एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। उनके दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे ही हो जाती थी। 7 बजे तक वो जूस शॉप पहुंच जाते थे और सारे कस्टमर्स को जूस बना के देते थे। रात को 11-12 बजे घर वापस आते थे। एक दिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मुलाकात किरण नाम के एक आदमी से हुई थी जिन्होंने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी लेने के लिए कहा। फिर कहने लगे कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैंने उनसे पूछा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? उन्होंने फिर वही कहा, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों का ख्याल रखना। मैंने उन्हें डांटा। 2 महीने बाद उन्हें कोविड हो गया। 15 दिनों तक अस्पताल में थे। उसके बाद वो हम सबको छोड़कर चले गए और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। मुझे अपने बच्चों के लिए माँ और पापा दोनों बनना पड़ा। उनके जाने के लगभग 15 दिन बाद टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस से मिस्टर किरण हमारे घर आए। मुझसे कहा कि मेरे पति की 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है और हम इसको क्लेम कर सकते हैं। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं उस रात सो नहीं पाई। मेरे पति गौड़ा हमारे लिए हमेशा से एक सुखी जीवन ही चाहते थे। मैंने बैंक जाकर बैंक वालों से बात किया और मुझे पता चला कुछ इश्यूज है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। वैसे तो मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी लेकिन किरण जी ने हमारी बहुत हेल्प की। जब भी मैं केम्पे गौड़ा जी से मिलता वो कहते थे बच्चों को आर्मी स्कूल में डालना है, खुद का घर खरीदना है। फिर मैंने कहा पहले आप इंश्योरेंस तो लो, कल आप नहीं रहे तो? तब वो कहता अरे सर ऊपर वाला देख लेगा। एक दिन मैंने उनसे कहा सर आपको क्या लगता है मुझे आपसे किसने मिलवाया? अगले ही दिन उन्होंने एक इंश्योरेंस ले लिया। मेरी जिंदगी पहले जैसे नहीं रही। हमें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस से 1 करोड़ रुपए मिले। मेरे पति हमेशा चाहते थे कि हमारा एक खुद का घर हो। 1 करोड़ से हमने एक घर खरीद लिया और किराए पर दे दिया। ये किराया हमारे लिए एक रेगुलर इनकम है। ये 1 साल ने मुझे अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग रहने का कॉन्फिडेंस दिया है। जैसे मेरे पति ने मेरे बच्चों की जिंदगी सुरक्षित की, अब मैं भी वही करूंगी।